हमारा अनुभव है ना, ये राम भक्ति जन सुरसरी धारा सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। सरसवा एक स्टाफ है, एक परानु बाबा स्टाफ है, एक जैतवारा स्टाफ है, एक बांदा स्टाफ है। बांदा के बाद कोई सरसवा ये ब्रह्म ऋषि जी हैं और इन्होंने कामदगिरी पर्वत को केंद्र मानकर 84 कोस का क्षेत्रफल बताया। चित्रकूट बहुत बड़ा पर्यटन स्थल है, जितना इसका धार्मिक महत्व है, पौराणिक महत्व है, उससे ज़्यादा इसका प्राकृतिक महत्व भी है और सांस्कृतिक महत्व भी है। चित्रकूट एक ऐसी नगरी है, ऐसा स्थल है, ऐसा क्षेत्र है कि ये बहुत ही बड़ा पर्यटन का केंद्र है और इस केंद्र को उठाने के लिए जितने प्रयास होने चाहिए थे पूर्ववर्ती सरकारों ने निश्चित तौर पर नहीं किए हैं। और चित्रकूट का विकास इसलिए भी नहीं हो पाया कि पहले ये दस्यु प्रभावित क्षेत्र था, अब दस्यु खत्म हुए तो ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के झगड़े में फंसा हुआ है। कहीं यूपी का हिस्सा लग रहा है, कहीं एमपी का लग रहा है। पूरा परिक्रमा मार्ग को ही हम अगर देखें तो कई जगह यूपी आता है, फिर एमपी आता है, फिर एमपी आ जाता है, फिर यूपी आता है, बीच बीच में ये हिस्से घुसे हुए हैं। अब कोई पर्यटक आया वो गुप्त गोदावरी भी जाना चाहता है, मानधारा भी जाना चाहता है, भरतपुर भी जाना चाहता है, राजापुर तुलसीदास जी की जन्मस्थली भी जाना चाहता है, तो उसको कई बार इन जगहों से होकर गुजरना पड़ता है जहाँ यूपी और एमपी आता है। एमपी के पर्यटन के लोग, पुलिस के लोग, इधर काटो उधर गया तो उसका चालान, उधर काटो इधर आया तो उसका चालान। तो जो अपने साधन वाले हैं वो तो भले आ जा सकें लेकिन बाकी यात्री पर्यटक नहीं आ जा पाता है, उसको बड़ी परेशानी होती है, बड़ी कठिनाई होती है। एमपी में भी बहुत दूर दूर तक बृहस्पत कुंड इधर जाइए, धारकुणी उधर, श्रृंगवेरपुर जो है सर्वंगाश्रम, इस प्रकार से बहुत कई स्थान हैं। स्फटिक शिला, अनुसुईया जी, ये सब जो मध्य प्रदेश में पड़ते हैं और बहुत सारे स्थान हैं जो उत्तर प्रदेश में पड़ते हैं। 84 कोसी परिक्रमा में कई बार ये सीमा विवाद आता है और यह स्थिति को दूर करने के लिए निश्चित ही चित्रकूट को मुक्त क्षेत्र, इसको एकदम मुक्त होना चाहिए। यूपी एमपी कोई बंटवारा नहीं, अगर ये केंद्र शासित हो जाए बहुत अच्छा होगा। अगर केंद्र शासित क्षेत्र इसको एक बना दिया जाए, चित्रकूट पूरे क्षेत्र को 84 कोस की जो परिक्रमा होती है उस पूरे क्षेत्र को उसका सीमांकन करके अगर उसको बना दिया जाए तो इस क्षेत्र के विकास के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा और एक इसके लिए एक नया अध्याय जुड़ जाएगा और निश्चित तौर पर बड़ी तीव्र गति से इस क्षेत्र का पर्यटन स्थल के रूप में इसका विकास हो सकेगा। यहाँ विकास के लिए हवाई पट्टी भी बन रही है, हवाई अड्डा, बड़े बड़े प्लेन यहाँ पर उतर सकेंगे, बड़ी तेजी से उसका काम प्रारंभ है और लगभग 60-70% का काम पूरा भी हो चुका है। जो काम बिल्डिंग वर्क और कुछ काम शेष रह गया वो जल्दी पूरा हो जाएगा और चित्रकूट के विकास में 4 चांद लगेंगे अगर यह हमारा जो है केंद्र शासित प्रदेश एक तरह से बन जाएगा, केंद्र शासित क्षेत्र बन जाएगा, जो भी उसका नाम सरकार दे वो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। सो क्या आप आगे ले जाएंगे मुद्दे को पार्टी फोरम? बिल्कुल, हम लोग इस बात को रखेंगे और ये तो बड़ी अच्छी बात है, बड़ी अच्छी पहल भी है और इसके लिए माननीय सांसद जी ने जैसा सुना कि उन्होंने लोकसभा में उठाने को कहा है, हम लोग भी अपने स्तर से अपने ऊपर पार्टी के पदाधिकारियों के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को और प्रधानमंत्री जी को अवगत कराने का काम करेंगे। मध्य प्रदेश क्षेत्र में भी आप कुछ पहल करेंगे? अब यही पत्र उनको भी लिखेंगे माननीय, चूंकि वहाँ भी हमारी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी के हमारे शिवराज सिंह चौहान जी वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उनको भी हम लोग पत्र लिखेंगे। ऐसा नहीं कि ये मांग पहली बार की, ये मांग तो बहुत पहले से लगातार की जाती रही है। इसका ये है हमारा अनुभव है ना, ये राम भक्ति जन सुरसरी धारा सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। सरसवा एक स्टाफ है, एक परानु बाबा स्टाफ है, एक जैतवारा स्टाफ है, एक बांदा स्टाफ है। बांदा के बाद कोई सरसवा, ये अंतर्गत ये 84 कोस घूम, वैसे 84 कोस का ये जो है ना 84 कोस, इसके अंदर में 84 कोस इसी के अंदर है। 84 कोस का मतलब होता है जैसे आप इसको कामतानाथ हैं तो कामतानाथ से 21 कोस उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, तो 21 दूनी 42 तो 21 चौक का 84 कोस हो गया है कि नहीं। ये 84 कोस ये भावना की बात है, ये सारा संसार 84 कोस है कि नहीं, है कि नहीं। 84 लाख योनियां है तो 84 लाख योनी तो पूरे ब्रह्मांड में छाया हुआ है, तो पूरा ब्रह्मांड ही 84 कोस है क्योंकि 84 कोस सब है। केंद्र कामतानाथ जी, हाँ, यहाँ के मुख्य कामतानाथ।
जगदगुरु राम भद्राचार्य इसको विश्व की आध्यात्मिक राजधानी मानते हैं, जबकि भारत रत्न नानाजी देशमुख ने इसको केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने के लिए कई बार केंद्र सरकार को पत्र लिखे। देखिए, राघव प्रयाग का जो स्थान है चित्रकूट में, बहुत ऐतिहासिक स्थान है। भगवान श्री रामचंद्र जी के पिताजी महाराजा दशरथ जी की अस्थि विसर्जन भी भरत जी जब आए थे यहाँ उनको बनाने, तो यहीं पर उनका जो है पिंडदान किया गया था राघव प्रयाग में। भगवान श्री रामचंद्र जी ने किया था माँ मंदाकिनी के तटपट, और वो ऐतिहासिक स्थान है हमारा। वो यूपी एमपी के बीच की एक सीमा के उसमें फंसा हुआ है। हमने अनुरोध किया था सरकार से भी, हमने आग्रह किया है अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से भी, चूँकि दोनों राज्यों में हमारी सरकार है, मध्य प्रदेश में भी उत्तर प्रदेश में भी, तो ये जो चित्रकूट का 84 कोस का परिक्रमा क्षेत्र है, परिक्षेत्र है, यहाँ से लेके धारकुंडी आश्रम मध्य प्रदेश में है वहाँ तक का, बहुत सारे स्थल हैं हमारे जो बहुत पौराणिक स्थल हैं पूरे पाठा की धरती पर, जगह जगह बिखरे हुए हैं अलग अलग, उन सारे स्थानों को जोड़ करके चित्रकूट परिक्षेत्र पर एक लगभग 84 कोस का है। ऋषियन जैसा आश्रम भी उसी में है, जहाँ पर भगवान जब आए थे तो ऋषियन आश्रम से होकर के चित्रकूट में प्रवेश किए, आपका लालापुर से लेकर के बहुत सारे आश्रम गिराओं का बहुत सारे आश्रम हैं, तो उन सारे आश्रमों को जो यूपी में भी हैं एमपी में भी हैं उनको जोड़ करके एक परिक्षेत्र बनाया जाए, और ये चित्रकूट फ्री जोन करके इसको परिक्षेत्र को फ्री जोन कर दिया जाए। इसका जो एक यूपी एमपी का बॉर्डर का जो क्षेत्र, यूपी के लोग यूपी में घुसते हैं उनको अलग टैक्स, वहाँ की बसें का, यहाँ के टैक्सियों का, वहाँ का, तो इस तरह से जो आना जाना रुका रहता है ये सब खत्म करके और ये फ्री जोन करके एक पूरा परिक्षेत्र बना दिया जाए, चित्रकूट परिक्षेत्र, और उसमें दोनों सरकारों का हस्तक्षेप न करके केंद्र का जो एक मैं समझता हूँ एक उसमें बैठना चाहिए, एक यूटी बनना चाहिए, यूनिटी का होना चाहिए, अलग से उसका एक सुपरविजन करने का इसका एक अधिकारी बैठना चाहिए अलग से जो उसकी मॉनिटरिंग करे। तो इस तरह से मेरा एक आग्रह है, मैंने एक सुझाव भी दिया है और मेरी मांग है कि इसका अलग से एक बनाया जाना चाहिए। ये मैप के आधार पर तैयार किया गया पहला 84 कोस का नक्शा है। इसके लिए सभी लोगों के सुझाव सादर आमंत्रित हैं। कृपया हमें अपने सुझाव जरूर बताएं, जिससे हम इस संघर्ष को आगे बढ़ा सकें, अधिक से अधिक संख्या में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से निवेदन कर सकें कि चित्रकूट को केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाए।